हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 उन किताबों के बारे में जिन्हें पढ़कर आप IAS बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और कुछ लोग जो हमारे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाकर प्रभात एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाएं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। दोस्तों, अधिकतर युवाओं का सपना होता है सिविल सर्विसेज में जाने का। कभी किसी को एक दो प्रयास में ही अपनी मंजिल मिल जाती है, तो कुछ तो अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी सफलता नहीं पाते। आज हम आपको बताएंगे कि सिविल सेवा की तैयारी करते समय आपको अपने सिलेबस की बुक्स के अलावा और किन किन पुस्तकों से बेहतरीन मदद मिल सकती है, जिससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। तो चलिए, इसी क्रम में हम आपको बताते हैं प्रभात प्रकाशन की 10 ऐसी पुस्तकों के बारे में जिसे आपको आपकी परीक्षा की तैयारी करने में व्यापक और महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। हमारी पहली पुस्तक है सिविल सर्विसेज की तैयारी से संबंधित मुझे बनना है UPSC टॉपर एंड ऑल अबाउट UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। योर 2014 के UPSC एग्जाम में हिंदी भाषा माध्यम से 13वीं रैंक प्राप्त करने वाले टॉपर IAS ऑफिसर निशांत जैन की लिखी ये पुस्तक सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के उनके अनुभव, व्यापक परिवर्तन के अनुरूप सटीक रणनीति, प्रभावशाली लेखन कौशल का तरीका के निचोड़ के रूप में सकारात्मकता से भरपूर एक सार्थक और मोटिवेशनल पुस्तक के रूप में हमारे सामने है। इस पुस्तक में निशांत जैन ने सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए ठोस और व्यवहारिक सुझाव दिए हैं, जिनके माध्यम से सिविल सेवा की तैयारी करने के प्रथम चरण से लेकर इंटरव्यू तक में आपको मदद मिल सकती है। ये पुस्तक सिविल सेवा परीक्षा की संपूर्ण और व्यापक तैयारी के लिए अति उत्तम है। मुझे बनना है UPSC टॉपर एंड ऑल अबाउट UPSC सिविल सर्विस एग्जाम पुस्तक में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए विस्तृत मार्गदर्शन दिए जाने के साथ साथ निबंध और एथिक्स में अधिकतम अंक पाने के टिप्स, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, नए पैटर्न में प्रासंगिक रणनीति अपनाने के सुझाव, दबावों के बीच भी अपना सकारात्मक और मोटिवेशनल लेवल को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ सफल उम्मीदवारों की अनसुनी कहानियां भी आपको प्रेरित करने के लिए दी गई हैं। इस पुस्तक में मेन और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। क्यों करें UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी, सिविल सेवा परीक्षा के लिए कैसे करें व्यक्तित्व निर्माण, कैसे करें समग्र तैयारी, समझे UPSC का पैटर्न, प्रारंभिक परीक्षा सफलता की पहली सीढ़ी, कैसे करें मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन, ऑप्शनल सब्जेक्ट द गेम चेंजर, सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग कमांड ओवर योर लैंग्वेज, राइटिंग स्किल द बेसिस ऑफ सक्सेस, पर्सनालिटी टेस्ट, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, Never, never, never give up. दूसरी पुस्तक है एथिक्स विषय से संबंधित एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। UPSC की मुख्य परीक्षा GS पेपर 4 के लिए ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध इस पुस्तक के लेखक है 2006 बैच के IBS अधिकारी अशोक कुमार और उनके साथ सहयोग लेखक गौरव तलवार। अशोक कुमार यर 2006 में भारतीय पुलिस पदक और 2013 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हो चुके हैं। फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट के वार्षिक सर्वे 25 उत्कृष्ट IPS 2020 में उत्तराखंड के DG लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार सक्रिय श्रेणी में प्रमुख स्थान पर है, जबकि गौरव तलवार द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रमुख संवाददाता के रूप में काम कर रहे हैं। एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के GS पेपर 4 के लिए एक अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक में एथिक्स से संबंधित सभी विषयों पर गहराई पूर्वक विस्तृत विवेचना स्पष्ट भाषा शैली में की गई है, साथ ही सभी मुख्य और महत्वपूर्ण तथ्यों को पॉइंट वाइज दर्शाया गया है। पुस्तक की USP के स्टडी के दृष्टिकोण के बारे में उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करना है। ये किताब नैतिकता और मूल्य प्रणाली की बुनियादी समझ देने और मुख्य परीक्षा में प्रासंगिकता के आधार पर दोहराने एवं अपने उत्तर को बेहतरीन बनाने की जरूरत को पूरा करने के लिए है। ये एक ही बार में पढ़ ली जाने वाली किताब नहीं है, क्योंकि विषय को समझने में प्रयास और समय दोनों लगते हैं। UPSC की मेन्स परीक्षा में पेपर 4 के लिए एथिक्स विषय की तैयारी किसी विशेष किताब से नहीं की जा सकती, किंतु एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पुस्तक से आपको काफी मदद मिल सकती है। इस पुस्तक के मेन और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं
एवोल्यूशन ऑफ एथिक्स इन इंडिया, एटीट्यूड एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1964, पार्लियामेंट्री एथिक्स कमिटी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. तीसरी किताब का नाम है भारतीय विदेश नीति. भारतीय विदेश नीति के ऊपर बेस्ड इस बुक के लेखक हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे श्री जे एन दीक्षित. वो एक अनुभवी राजनयिक थे. 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद वो वहां भारत के पहले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे. दीक्षित पाकिस्तान और श्रीलंका में भी भारत के उच्चायुक्त रहे थे. पुस्तक के विषय वस्तु के तीन व्यापक खंडों में बांटा गया है और भारतीय विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं को प्रमाणिक तथ्यों के साथ सशक्त तथा प्रभावशाली ढंग से विश्लेषित किया है. पुस्तक में विश्व के विभिन्न देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन तथा पाकिस्तान आदि के साथ भारत के संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए घटनाओं के संदर्भ में इंटरनेशनल रिलेशनशिप की विशद विवेचन भी की गई है. भारतीय विदेश नीति के ऊपर बेस्ड इस बुक के हर एक चैप्टर के लास्ट में लेसन समरी प्रमुख बिंदु के रूप में दिए गए हैं ताकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इससे पर्याप्त मदद मिल सके. भारत की विदेश नीति के विविध पक्षों, प्रमुख हेतु और अभिप्रेरणाओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करने वाली ये पुस्तक सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ एक एसेट की तरह है. इस पुस्तक में मेन एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत का अभूदय 1946 से लेकर 1955, भारत की विदेश नीति का प्रमुख चरण 1964 से लेकर 1977, आंतरिक अनिश्चितता एवं प्रतिक्रियामूलक कूटनीति का काल, बदलते हुए विश्व के साथ तालमेल 1985 से लेकर 1991 तक, मास्टर स्ट्रोक्स की विदेश नीति, भारत और संयुक्त राष्ट्र, भारत की विदेश नीति एक मूल्यांकन. फोर्थ बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर. इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक के लेखक है 1976 बैच के वेस्ट बंगाल कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर पी के अग्रवाल. इनकी हिंदी और अंग्रेजी में 65 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से 20 पुस्तक अंग्रेजी में. रिटायरमेंट के बाद वर्तमान में डॉक्टर पी के अग्रवाल साहित्य के माध्यम से समाज सेवा में समर्पित हैं. उनकी भारत की संविधान पुस्तक सिविल सेवा अभ्यर्थियों में काफी लोकप्रिय है. इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक में भारतीय संस्कृति के विशाल फलक पर फैले विस्तृत विवरणों का संग्रह है, जो सदियों से कला, संस्कृति, परंपराओं, विश्व के विरासत स्थलों सहित विभिन्न पहलुओं और ऐतिहासिक स्मारकों में मौजूद है. अंग्रेजी भाषा में लिखे इस पुस्तक में विश्वसनीय स्रोतों से प्रामाणिक जानकारी प्रदान की गई है. बुक के मैटर को रोचक बनाने के लिए सभी अध्यायों में यथास्थान चित्रों के साथ विषय की प्रस्तुति की गई है. विशेषतः सिविल सेवा परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु लिखी गई इंडियन आर्ट एंड कल्चर पुस्तक का मुख्य उद्देश्य विषय विशेष से संबंधित समस्त प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराकर सिविल सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन प्रक्रिया को सुगम बनाना है. पुस्तक में विषय से संबंधित बुनियादी विवरण दिए गए हैं, जो यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के लिए व्यापक सामग्री प्रदान करता है. इस बुक के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन आर्किटेक्चर, कल्चर इन एंशियंट इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड एग्जीबिशंस, Ancient Indian Literature and Fame of Indian Monuments. पांचवी किताब जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास. दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास एवं हिंदी में MA BEd तथा हिंदी में PhD तक की शिक्षा प्राप्त डॉक्टर कमल भारद्वाज ने सिविल सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास पुस्तक लिखी है. डॉक्टर कमल भारद्वाज प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल और दिल्ली प्रशासन में शिक्षण कार्य कर चुकी हैं. वर्तमान में वो स्पार्क लाइफ फाउंडेशन NGO के अंतर्गत दलित तथा वंचित वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का सामाजिक कार्य कर रही हैं. प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बेस्ट बुक सेलर की लिस्ट में शामिल प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास पुस्तक में प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत के इतिहास की
क्रमानुसार व्यापक विस्तृत विवेचना तथ्यपूर्ण गुणात्मक विश्लेषणात्मक चार भागों में बटी गई इस पुस्तक को 21 अध्यायों एवं दो विशेष भागों सिविल सेवा के विगत वर्षों के प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सहित और मुख्य परीक्षाओं के प्रश्न में समायोजित किया गया है। UPSC के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए ये पुस्तक बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं: प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, धार्मिक व्यवस्था, पुण्य निर्माण, मौर्योत्तर युग 200 AC से 300 AC तक, उत्तर भारत और दक्षिण के प्रांतीय राजवंश और 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।